क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में चर्चाएं अहम हो चुकी है और फिलहाल यहां पर चर्चाएं चल रही हैं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से यहां पर 20 दलों ने वॉकआउट किया है कि हम इस बार उद्घाटन में नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति शुरू हो गई है। यहां तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेने से मना कर दिया, खारिज कर दिया। और ये कहा ये जो मामला है ये संज्ञान योग्य नहीं है, ये सुनवाई योग्य नहीं है। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जरूरी क्या है बायकॉट, और जरूरी क्या है कि अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसके लिए सार्वजनिक रूप से सबके सामने मुखर करना। संसद भवन देश का है और यहाँ पर वॉकआउट करना ये अलग तरह की राजनीति है। फिलहाल कांग्रेस समाज करीब करीब 20 दलों ने इस पर वॉकआउट की घोषणा कर दी है। मामला कोर्ट में पहुंचा, वहां से भी निराशा ही हाथ लगी है विपक्षी दलों को। तो भाई, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कह दिया है कि संसद भवन देश का है और वॉकआउट करना लोकतंत्र की नीति के विरुद्ध है और हम इस समारोह में, इस उद्घाटन समारोह में जरूर जाएंगे। खैर, ये बात तो रही उद्घाटन की, और यहाँ पर दूसरी तरह व्यवस्था जो चल रही है सैंगुल की। सैंगुल यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसकी कुर्सी के पास सैंगुल लगा रहेगा। सैंगुल की जो परिभाषा यहाँ पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पेश की, उन्होंने कहा ये निष्पक्षता की, ये व्यवस्था की और ये अच्छाई का प्रतीक है। तो अगर बात करें तो सैंगुल का जो नाता है वो दक्षिण भारत से है और वहाँ पर जब राजपुरोहित के दायरे से किसी को सत्ता हस्तांतरित की जाती थी तो वहाँ पर सैंगुल यानी राजदंड वहाँ पर दिया जाता था, ये राजदंड का प्रतीक होता था। और इसी व्यवस्था को देखते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया कि शायद अब बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने वाली, इसलिए यहाँ पर सैंगुल को प्रतीक रखा है और यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है और बीजेपी यहाँ सरकार से जा रही है। खैर, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जहाँ विपक्ष 20 दल यहाँ पर उद्घाटन में वॉकआउट करने वाले हैं, तो वहीं जो मायावती हैं बसपा सुप्रीमो हैं उन्होंने यहाँ पर समर्थन दे दिया है। बीजद, शिरोमणि अकाली दल समेत तमाम जो दल हैं उन्होंने कहा है हम इस उद्घाटन समारोह में जाएंगे। पर यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि संसद पर उद्घाटन पर यहाँ पर विपक्ष में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यहाँ पर सत्ता के हस्तांतरण की बात कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया है कि बीजेपी आने वाले समय में 30 मई से 30 जून तक जो अभियान चलाने वाली है, जनसंपर्क अभियान, उसके लिए बीजेपी को अपने प्रभारी मंत्रियों की जरूरत पड़ रही है। बीजेपी बाहर के मंत्रियों को बुलाकर यहाँ पर अभियान में शामिल करेगी। यानी बीजेपी के सांसदों ने और विधायकों ने उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं है, इसे बीजेपी को बाहर के मंत्रियों की जरूरत पड़ रही है। खैर, राजनीति और ये पहली बार नहीं हो रहा है। बीजेपी द्वारा पहले भी तमाम तरह के राज्यों में चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश से भी तमाम मंत्री जाते हैं और वहां पर बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं। स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे हैदराबाद की बात करें और चाहे अभी हाल में ही कर्नाटक में चुनाव हुए वहां की बात करें। पर चूंकि राजनीति है और यहां पर अगर बयान नहीं होंगे, चर्चाएं नहीं होंगी, विरोध नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चलेगा, तो भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था ही क्या। वो भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिसकी संस्कृति शुचिता ही सबको ये प्रेरणादायी हमेशा से रही है। पर फिलहाल भारतीय लोकतंत्र में जनता के मुद्दे छोड़कर हर तरह के मुद्दे हावी हैं, कभी संसद भवन का मुद्दा, कभी सैंगुल का मुद्दा, तो कभी धार्मिक मुद्दा, पर जनता के मुद्दे की बात यहाँ पर कोई करना नहीं चाहता। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आई कि वो भी जातिवार जनगणना की बात करने के लिए मजबूर हुई, यद्यपि कांग्रेस लगातार 40-42 साल तक सत्ता में रही है। इसे तो उसे बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ पार्टी इसका समर्थन कर रही हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं इस नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह को? देखिए, उद्घाटन होना चाहिए और नए भवन का निर्माण भी होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं, वो एक प्रकार से सही भी है कि कम से कम देश के राष्ट्रपति को भी इसमें उद्घाटन में प्रथम स्थान, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक वही हैं,
तो अब जब देश की एक प्रकार से संसद भवन के उद्घाटन का सवाल है, तो मेरे हिसाब से सुहेलदेव भारती समाज पार्टी जो कह रही है कि राष्ट्रपति महोदया के हाथों ही इसका उद्घाटन होना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल किया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बजट अलाट हुआ, प्रधानमंत्री जी के देख रेख में उनके नेतृत्व में अगर संसद भवन का निर्माण हुआ है, तो जो व्यक्ति देख रेख करता है, जो व्यक्ति उसका ढांचा बनाता है, जो व्यक्ति उसमें पैसा दे रहा है, धन दे रहा है, जो बनवाता है वो उद्घाटन नहीं करता है। तो एक लॉजिकली बात है, टेक्निकली भी है कि प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि देश के प्रथम नागरिक जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे उद्घाटन कराना चाहिए था। देश के लोगों के सवाल है कि माननीय महामहिम देश के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ऊपर होते हैं, दोनों के अध्यक्ष होते हैं, तो आखिर नई संसद जिसको देश का लोकतंत्र का मंदिर हम सभी मानते हैं, उसका उद्घाटन उनके हाथ से क्यों नहीं किया जा रहा। प्रधानमंत्री तो मात्र लोकसभा के सदस्य होते हैं और पक्ष के नेता होते हैं, क्या ये शोभा नहीं देता उनको कि एक देश के सबसे वंचित शोषित आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी यदि देश के नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करती तो पूरे विश्व में एक संदेश जाता। प्रधानमंत्री जी विदेशों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन खुद ही संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं करते, ना ही वो संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हैं। संसदीय व्यवस्था में देश का राष्ट्रपति ही लोकसभा और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जब लोकसभा के सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती, सत्रावसान भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। प्रधानमंत्री जी कम से कम देश के नए लोकतंत्र के मंदिर में लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय मर्यादाओं का पालन करिए, पश्चाताप करिए, अभी भी मौका है, देश की महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन कराइए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का इनॉग्रेशन उद्घाटन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 28 तारीख को करने जा रहे हैं। सारा विभाजनकारी विपक्ष एक साथ एक सुर में आदरणीय मोदी जी का विरोध करता दिखाई दे रहा है। जहां पूरा विश्व मोदी जी को बॉस की उपाधि दे रहा है कि पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं वो, और वहीं हमारा सांसद में जो विपक्ष है नकारात्मक भूमिका में आज भी दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह से आप लगातार देख रहा हूं, मैं कई चैनलों पर मैं देख चुका हूं, विपक्ष के नेता अनर्गल बातें कर रहे हैं। वो देश के लिए समर्पित प्रधानमंत्री हैं, लगातार 9 वर्षों से उन्होंने नई नई चीजों को समर्पित किया है राष्ट्र को, और उसी कड़ी में देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र उसका संसद भवन भी देश के लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। तो ये काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और विभाजनकारी विपक्ष अपने उसी धरने पर काम कर रहा है जिस पर सन 47 से आज तक करता रहा। और चर्चा यह है कि नई संसद जो बनी है उसका उद्घाटन 28 मई को होना है, उसके पहले ही उस पर बवाल होना शुरू हो चुका है। यानी लोकतंत्र के मंदिर पर यहाँ पर तारीफ तो भले ही ना मिले, व्यवस्थाओं की बात भले ही ना हो, अच्छाई की बात भले ही ना हो, खूबसूरती की बात भले ही ना हो, बड़ी लागत की बात भले ही ना हो, 28 महीने के रिकॉर्ड समय में बनने की बात भले ही ना हो, पर यहाँ पर उस संसद के उद्घाटन पर बवाल जरूर है। और यहाँ तक कि कांग्रेस ने अब एक नई व्यवस्था की है कि एक बुकलेट जारी की है और बीजेपी से 9 सवाल पूछ लिए हैं, और कहा जा रहा है 9 सवाल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर, 2 करोड़ रोजगार पर, किसानों की आय दोगुनी पर, महंगाई कम करेंगे, सबको 15 लाख काला धन डॉलर के मुकाबले रुपया, सबको घर और गंगा की सफाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रखिए। खैर अभी बुकलेट जारी नहीं हुई है, पर कहा यह जा रहा है कि 9 सवाल यही रहेंगे। पर चूंकि यहाँ पर विपक्ष को मजबूत करने की बात कही जा रही है, चूंकि यहाँ विपक्ष का हल्ला बोल हो चुका है, चूंकि यहाँ पर विपक्ष का वॉकआउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सभी दल मुखर हो चुके हैं, और संसद के उद्घाटन के बहाने जो विपक्ष की लामबंदी है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि विपक्ष में भी दो फाड़ थे। कहीं अखिलेश यादव जब कलकत्ता में कार्यकारिणी की बैठक करने जाते हैं तो वहां पर कांग्रेस का नाम भी है, वहां बोलते हैं कि बड़ी पार्टियों को अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहिए, पर जब से कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए हैं तब से सबके स्वर बदल गए हैं और समझ चुके हैं कि बिना कांग्रेस के कल्पना के, बिना कांग्रेस के आप विपक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस देश पर 10 करोड़ राज करने वाली पार्टी है और बड़ी पार्टियों में एक है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बिना कांग्रेस के
विपक्ष को एकजुट करना भी संभव नहीं है। पर अभी भी नेतृत्व कौन करेगा विपक्ष का, इस पर भी सवाल बाकी है, क्योंकि यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। कभी मुलाकात शरद पवार से होती है, कभी मुलाकात ममता बनर्जी से होती है, कभी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है, तो कभी यह मुलाकात लालू यादव से होती है, तो कभी यह मुलाकात अखिलेश यादव से होती है, कभी यह मुलाकात सीताराम येचुरी से होती है, तो कभी यह मुलाकात अन्य लोगों से होती है। पर चूंकि मुलाकात एक बार स्पष्ट करती है कि जब भी मुलाकात हुई है तब भी कोई ना कोई परिणाम निकलते हैं। अब परिणाम बेहतर हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। पर चूंकि यहां पर मामला नए भारत के नए संसद भवन की बात को लेकर है, इसलिए यहां पर चर्चाएं और विरोध आम है। विरोध इस कदर कि 20 दलों ने वॉकआउट कर दिया, और सपोर्ट इस कदर कि बीजेपी के तमाम नेता मंत्री यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि अगर वहां पर उद्घाटन हो रहा है तो गलत क्या है, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी भी संसद के अनेक्सी का उद्घाटन कर चुकी थी और 1987 में राजीव गांधी ने भी संसद के पुस्तकालय का उद्घाटन किया था। तो अगर नरेंद्र मोदी नए संसद का उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, क्यों यहां पर राष्ट्रपति के नाम पर एक तरह का एक अलग एजेंडा बनाया जा रहा है। पशु के एजेंडा भी यहां पर एक बार स्पष्ट करता है कि जिस आदिवासी समाज को बताकर, जिस पिछड़े वर्ग को बताकर एक बात कही गई थी कि यहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो पिछड़े वर्ग से हैं, वो आदिवासी समाज से हैं, और बीजेपी ने ऐसे ही एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा था राष्ट्रपति चुनाव में जहां पर बीजेपी द्वारा ये कहा जाता समर्थन दीजिए, और समर्थन मांगा गया, समर्थन मिला, और महामहिम द्रौपदी मुर्मू यहां पर राष्ट्रपति के रूप में शुरुआत नहीं। पर देश के प्रथम नागरिक होने के नाते अगर शायद संसद भवन के उद्घाटन में उनको बुलाया जाता तो शायद यहां पर विपक्ष को लंबन होने का मौका नहीं मिलता। पर यहां पर चूंकि चर्चा जरूरी है और फिलहाल जो स्थिति है वो सबके सामने है, विपक्ष लंबन और सत्ता पक्ष अपनी बात पर अडिग, चर्चा जरूरी है सहगोल पर भी और चर्चा जरूरी है संसद भवन के उद्घाटन पर, और चर्चा महत्वपूर्ण कुछ मेहमान जुड़े जाते हैं आपको मुरूर कराऊंगा। पर यहां पर सबसे बड़ी बात है व्यवस्थाओं की, और फिलहाल व्यवस्थाओं पर यहां पर जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, और अब महत्वपूर्ण चर्चा विषय है संसद भवन के उद्घाटन और सैंगल की सही परिभाषा, परिभाषा अमित शाह की या परिभाषा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, रूबरू करा दूं, नेता भाजपा से केसी भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे प्रतापाल सिंह सलूजा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विनोद सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में भाई आमिर साबरी भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में, इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो केसी जैन से रहेगा। केसी भाई, यहां पर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं और संसद भवन के उद्घाटन पर इस समय राजनीति चरम पर है, विपक्ष लामबंद हो रहा है, कहीं चुनौती ना बन जाए आपके लिए, और सहगोल की परिभाषा पे क्या कहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, इसी सहगोल के प्रतीक चिन्ह को लोकसभा अध्यक्ष के बगल में रखवा दिया गया है और नए संसद भवन में इसको भी नई तरीके से सुशोभित किया जाएगा। केसी भाई जी, देखिए गौरव जी, मुख्य बात यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, और संसद भवन एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का अगर उद्घाटन जी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। और ये विपक्ष पूरा की पूरा माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गया और उसका परिणाम क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने सीधे सीधे अपील को खारिज कर दिया, ये सुनने योग्य ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जी का जिस प्रकार से आज तारीफ कर रही है, अच्छा बता रही है, दलित समाज से बता रही है, महिला समाज से बता रही है, इसी कांग्रेस पार्टी ने इतने अपशब्द कहे थे कि वो इस योग्य नहीं है, हमारा कैंडिडेट राष्ट्रपति बनने के योग्य है, और तमाम सारी बातें कांग्रेस ने कही थी। वही कांग्रेस आज कह रही है कि महिला है, दलित है और अति पिछड़े समाज से है, यही सब बातें जब भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, इसी का घोर विरोध कांग्रेस ने किया था। तो कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है, समय समय पर इनके वक्तव्य बदला करते हैं, समय समय पर इनकी सोच बदला करती है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला, कोई भी मुद्दा बचा नहीं, जिसको ये कैश करना चाहते थे, इन्होंने जीएसटी का मुद्दा उठाया वो फेल हो गया,
नोटबंदी का मुद्दा अखिलेश यादव जी ने उठाया, वो फेल हो गया। उसके बाद में बुलडोजर का मुद्दा उठाया, उस पर उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में फुल फ्लेश गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की आ गई। तो अब कोई भी मुद्दा समाजवादी पार्टी के पास बचा नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें करना उनके सामने मजबूरी है। और जो राजदंड की व्यवस्था है, अभी आपने ही बताया दक्षिण भारत की व्यवस्था रही है जी। और जिस समय अंग्रेजों ने जिस समय भारत देश को अपनी लोकतंत्र बहाली के लिए देश सौंपा था जी। उस समय पे माननीय उस समय के प्रधानमंत्री जी को जी। इस राजदंड को अंग्रेजों ने बाकायदा नेहरू जी को सौंपा था। अच्छा, तो जब ये परंपरा वहां पे उस समय रही, अलग बात है उसके कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है आज के लोकतंत्र में, लेकिन अगर वो प्रतीक चिन्ह के रूप में, एक धर्म प्राणता के रूप में, एक न्याय प्रणाली के रूप में और एक अच्छाई के रूप में अगर वो वहां सैन्यूल स्थापित होता है तो उसमें भी आपत्ति, उसमें भी राजनीति, उद्घाटन पे भी राजनीति, कुल मिला करके ऐसे मुद्दों पे राजनीति ये लोग कर रहे हैं जिसमें इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, अन्य मुद्दे बचे नहीं, इसलिए इस पे राजनीति कर रहे हैं। और हम तो सबको बुला रहे हैं। अच्छा, हम तो सबको बुला रहे हैं गौरव जी। अच्छा, इस उद्घाटन में हम तो सबको बुला रहे हैं। अच्छा, और 20 से ज्यादा दल हमारे साथ में भी है, वहीं पे कुछ दल विरोध भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, लेकिन बहुत सारे दल हमारे साथ में है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में बहन जी हमारे साथ में पहुंच रही कार्यक्रम में। तो देखिए, हर एक चीज पे राजनीति नहीं होना चाहिए। जिस समय संसद भवन पे अशोक लाठ की स्थापना हुई उसमें भी खूब राजनीति हुई, कह रहे इसका मुंह खुला हुआ है, मुंह छोटा है, दांत बड़े हैं, ये तो दब्बू टाइप का होना चाहिए था, इस चूहा को आपने असली शेर बना दिया, मतलब क्या क्या बातें रही हुई। तो कुल मिलाकर के विपक्ष का काम केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का एन केन प्रकरण सिर्फ विरोध करना, बस वो चाहे जितना अच्छा काम करे उस पर भी विरोध करना। तो सिर्फ और सिर्फ ये विरोध विरोध के लिए हो रहा है, बाकी इसमें विरोध करने लायक कुछ नहीं है। अगर कुछ भी होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनकी रिट को स्वीकार करते हुए उस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर दिया। ठीक है, ठीक है। बे पांडे भाई, अखिलेश यादव सेंगुल बोल दिए, उद्घाटन में बोल दिए, क्या राय है आपकी भाई? देखिए, पहले तो मैं पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूँगा। मैं इनकी बातों का कोई विरोध नहीं करता। मुझे पता नहीं क्यों केसी भाई को ये लगता है कि भाजपा का विरोध कर रहे हैं, हम तो इनका समर्थन कर रहे हैं। भाई, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से आते ही देखिए किस तरीके से 5 राज्यों के विद्यार्थियों पे बैन लग गया। अच्छा, कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, ये तो समर्थन योग्य बात है। अच्छा, और इसके लिए बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया यात्रा नहीं की होती तो शायद उनके आते ही ये दृश्य देखने नहीं मिलता। अच्छा, ये बहुत बढ़िया विदेश नीति का एक परिचय था और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि भाजपा हमेशा ये कहती है कि हम आलोचना करते हैं। सेंगोल देखिए एक तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसको कि धन का प्रतीक माना जाता है। चोल साम्राज्य से ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे हासिल किया और तत्कालीन ब्रिटिश शासक लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता परिवर्तन के समय इसे नेहरू जी को सौंपा था। अब ये जो बात आ रही है, मैंने कई सोशल मीडिया सोशल डोमेन पे देखा, कई नेताओं के मुंह से सुना, इसे छुपाया क्यों गया? अच्छा, सत्ता में तो आप भी थे, ऐसा तो है नहीं कि केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं रही, प्राथमिकता में नहीं थी। प्राथमिकता में इसलिए नहीं थी क्योंकि भाजपा की पूर्ववर्ती अटल जी की जो सरकार रही है। अच्छा, या जो इनके वरिष्ठ नेता रहे हैं वो सैद्धांतिक लोग थे, वो भारत के विकास की नीति पे बात करते थे, भारत के रोजगार, युवा, बेरोजगार, शिक्षा, उद्योग, सुनिए ना सबकी, भारत के पुरजोर विकास की बात करते थे। अच्छा, अब ये तो बेचने में लगे हुए हैं। अच्छा, देखिए, विदेश यात्रा करते हैं जाकर के भारत के ऐतिहासिक धरोहर टीपू सुल्तान की तलवारी बेचा है जाकर के। अच्छा, वो तो अच्छा है कि कुछ, मुझे लगता है अभी सारे म्यूजियम पे इनकी नजर नहीं पड़ी, वरना सबकी नीलामी करा देते खड़े करके। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो नई संसद बनी इसकी आड़ में क्या पुरानी संसद को भी तो बेचने की प्लानिंग नहीं चल रही है? इसको भी जरा स्पष्ट कर दीजिएगा भाई। अब रही बात, इन्होंने कहा कि हम आलोचना क्या कर रहे हैं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं। क्या जरूरत है वैसे भी राष्ट्रपति को बुलाने की? भाई, राष्ट्रपति को बुलाने की आवश्यकता क्या है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सही बात है। अच्छा, मैं समर्थन करता हूँ केसी जैन का। अच्छा, आज आपके मंच से हजारों लाखों करोड़ों जो आदिवासी अगर देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ क्या जरूरत है आदिवासियों की इस देश में भाई, ये तो भार है ना इस देश पे भाई। मेरी बात आने दीजिए। अगर देश के नागरिक होते तो उनको सम्मान मिलता, अगर देश के नागरिक होते तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह आदिवासियों की जमीन पे
पूरा तांडव मचाया गया, जिस तरह से उड़ीसा में जमीन छत्तीसगढ़ में आ गई है, उड़ीसा में जिस तरह आदिवासियों की जमीन कब्जा की जा रही है, जिस तरह से दादरा नगर हवेली में आदिवासियों का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो आदिवासियों की बात होती ना, लेकिन आदिवासी चेहरे को सत्ता में बिठा के आदिवासियों का दमन करना ये तो अच्छी नीति है। सुन लीजिए, इस देश पे हर वो भार जो इस देश के राजनीतिक भाजपा के विकास में बाधक है उसको हटाना कौन सी गलत बात है भाई? मैं तो भाजपा की इस बात का समर्थन करता हूँ, आदिवासियों की आवश्यकता इस देश को नहीं है। बात पूरी है, बीच में बात आ जाएगी। अब रही बात संसद में इस तरीके से ले लीजिएगा। हम कहा कह रहे हैं, नैसर्गिक जवाब आपको ही देना है जी। प्रकृति का जो नैसर्गिक स्रोत होता है ना, वो आदिवासियों का सबसे बड़ा पनागा या घर कहा जाता है। अच्छा। भाई इस जंगलों को, इस देश के जंगलों को बचाने का सबसे बड़ा श्रेय किसका? आपका, हमारा नहीं, आदिवासियों का जाता है। अच्छा अच्छा। आदिवासी कबीले, मतलब अच्छा। जो कबीलों में रहते हैं जिनकी एक अलग ही प्रथा है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, छोड़ दीजिए दुनिया की बातें, चलिए हम आलोचना नहीं करते। इन्होंने मेट्रो परियोजना के लिए जो कारशेड का एक हजार कई एकड़ का, कई सौ एकड़ का, जो महाराष्ट्र के मुंबई में आरे फार्म का, तो आपने नाम सुना ही होगा जी। उनके जंगलों को काटने की जो इन्होंने योजना पास की, वो भी काबिले तारीफ है। अच्छा। आदिवासियों की क्या जरूरत है भाई? आदिवासी चेहरे को बिठाकर फोटो खिंचवा दो, आदिवासी चुप हो जाएंगे। अच्छा। भाई सीधी सीधी बात है। अच्छा। आदिवासियों का जब दमन होता है, आदिवासियों का जब अतिक्रमण होता है, आपको इतना प्रेम था तो समर्थन क्यों किया? कहां की बात कहां ले जा रहे हैं भाई? आपको आपत्ति क्या हो रही है, आप बोल लीजिएगा। आप दूसरी बात बोल लेंगे ना, बोल लीजिए। ये तो गलत चीज, आपको मौका दूंगा सब कुछ, गलत चीज। मैंने इनके समय नहीं कहा, सवाल है आपके, मैं तो इनका समर्थन कर रहा हूँ। सवाल जल्दी बोलिए। मैंने कहा कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, जल्दी बोलिए, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता इस देश के, विरोध क्यों किया था द्रौपदी मुर्मू जी का? मेरी बात तो आ जाए, ठीक है, ठीक है, आपको सवाल आ गया, ठीक है, बोलिए भाई। हाँ, क्योंकि आदिवासी बड़े मासूम और भोले होते हैं, प्रतीकात्मक स्वरूप में देखिए द्रौपदी मुर्मू जी को बिठा करके क्या किया इन्होंने आज, इसलिए विरोध हो रहा था। इनकी बात का जवाब, अब मेरी बात आ जाए। अच्छा, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, चुप रखिए, मैं इस देश में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता जिन्होंने अपने, मुझे लगता है कि मरते समय सुसाइड नोट में भाजपा के बड़े नेताओं का नाम उजागर किया था। अगर अब इनको नहीं पता होगा, मुझे 5 बार के सांसद रहे दादरा नगर हवेली के, स्वर्गीय मोहन डेलकर जी, इनको शायद नाम याद हो, उस समय कांग्रेस में थे, बाद में उनको इतना दबाव डाला गया कि मजबूरन उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। लेकिन एक भाजपा के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, अगर मैं अंतिम बात करूं तो जी, उसकी मृत्यु पर आज तक ना कोई जांच हुई, ना कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई, और ना ही उनके सुसाइड नोट में नामित उन भाजपा नेताओं की जांच की गई जो इसके जिम्मेदार थे। ठीक है, ठीक। तो मुझे लगता है, देखिए सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी को अगर ये नहीं बुला रहे तो इनकी प्राथमिकता में नहीं है। जिस तरह से इस देश में धर्म की राजनीति करने वालों ने राम मंदिर के शिलान्यास पे चार पीठों के शंकराचार्यों को, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों को अनदेखा कर दिया था, अपमानित कर दिया था, उनको आमंत्रित नहीं किया था, उनकी पादुका पूजन नहीं की थी, तो द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? राष्ट्रपति तो है, देश की नागरिक ही तो है, इनकी प्राथमिकता में नहीं है ना, इनकी प्राथमिकता में नहीं है। सत्ता पक्ष है, बताइए सत्ता पक्ष है, खेलो इंडिया, अरे कैसी जैन कली पे इज्जत हुए हैं, नवरत्नों ने कली पे इज्जत किया है और इसी धरती पे किया है लखनऊ के। अगर थोड़ी सी शर्म बची हो तो आवाज बंद करके सुनने की क्षमता रखिए, समझे? मोदी जी के नवरत्नों ने कल योगी जी के साथ, योगी जी के पूरे प्रशासन को खुलेआम बेइज्जत किया है। अगर इतनी बेइज्जती के बाद भी कानों में आवाज न जाती हो ना, सुनने की क्षमता ना हो, तो क्षमता विकसित कीजिए भाई, क्षमता विकसित कीजिए भाई, क्षमता विकसित कीजिए। कल बेइज्जत हुए हैं योगी जी, योगी जी का पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र बेइज्जत हुआ है, मोदी जी के नौरतन ने बेइज्जत किया है, क्या बात करेंगे ये बैठ करके? ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। प्लीज मैं सवाल ले रही हूँ, आप सिखाएंगे मुझे तरीका? आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए ना भाई, ठीक है, ठीक है। अरे आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, कैसी भाई आपकी वाहवाही आपकी बात हो गई, बाकी बात आपकी वाहवाही ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। वे पांडे, वे पांडे, कैसी भाई सवाल मुझे ले लीजिए, अभी डिबेट ओपन किया हूँ। देश के शंकराचार्य को अपमानित करने वाला हर वो दल, हर वो नेता अपमानित होगा जो उनका पांडे और मेहमान भी है, और मेहमान भी। पांडे, मेरे आपसे दो सवाल है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही कि दौरे पर गए और वहां पर 5 राज्यों पर बैन लग गया जी, नहीं आएंगे, पर जो अच्छाई उसकी तारीफ भी कर दीजिए।
तो अच्छा ही है ना, गिन्नी पापिया गुरु ने प्रधानमंत्री नहीं, नहीं, अच्छा ही तो है, मैं तो कह रहा हूं। और अपने जो उनकी जो नीति है कि रात में रात्रि में किसी का आवागमन नहीं करते हैं, यानी स्वागत नहीं करते हैं, वहां पर गए फिजी में सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किए गए, तो जहां पर अच्छाई है उसकी तारीफ भी कर दिया करिए। फिजी का आपने उल्लेख किया जी, फिजी का उल्लेख किया, आप शायद उसी प्रकरण की बात कर रहे हैं कि वहां के नेता ने उनके पैर छुए? नहीं, ये वो न्यू पापागुनी की बात है, न्यू पापागुनी की जी। तो ये न्यू पापागुनी वालों के संस्कार थे ना जी, पीठ थपथपा देना केवल अच्छा। आत्ममुग्धता में ये संस्कार नहीं होता, आशीर्वाद देने का संस्कार अच्छा, होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और रही बात, देखिए एक बात, अरे तो आप मत सुनिए ना, कान बंद कर लीजिए भाई, आपको थोड़ी सुनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए बैठा हूँ क्या? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपको खुश करने बैठा हूँ क्या? चलिए ठीक है, सत्ता पक्ष में हो गया। अच्छा एक बात बता दीजिए, एक सवाल केसी जैन जी से, एक सवाल केसी जैन जी से, केसी जैन जी एक सवाल, अरे एक सवाल केसी जैन जी, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल जवाब देंगे केसी भाई, सवाल ले लीजिए केसी भाई, एक जवाब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए भाई जी। कल मोदी जी के नवरत्नों ने में से एक नवरत्न ने जिस तरह से पूरे योगी सरकार प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार को बेइज्जत किया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए उनसे? ये अनर्गल बातें कहां से लेकर, अरे सोशल डोमेन में बेइज्जत आप लोग की फजीहत हो रही है, क्या बात कर रहे हैं? बात कहां की, एक खिलाड़ी बता रही है कि टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है और ये बड़े बड़े प्रचार होर्डिंग पोस्टर लगा के बैठे हैं। अरे शर्म करिए केसी जैन, केसी जैन भारत खेलों की, आप लोग नहीं है, इसको बंद करिए, बंद करिए, जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हैं उनके कारण जो छवि आपकी खराब हुई है, भारत खेलो चल रहा है। अरे छोड़िए, स्टेडियम में पानी नहीं था नल में, खिलाड़ी खुद कर रही है खड़ी होकर के, अरे हमें पानी तो दे दो, हो गया बेबे पांडे, किसी जन हो गया, शर्म नहीं आती, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बताइए बेबे पांडे हो गया, समाजवादी पार्टी बोलेंगे ठीक है, उसी के प्रोडक्ट बेबे पांडे आप लोग बोलेंगे, डिबेट करने का कोई मतलब नहीं, आ जाइए घर, ऐसे डिबेट करने का मतलब नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी, आप लोग चुप नहीं होगी, डिबेट बंद कर दूंगा, प्लीज प्लीज, पहला पहला टर्न होने दीजिए केसी भाई, प्लीज भरत सिंह को बलात्कार याद दिला दूं जरा, अगर बेपांड प्लीज प्लीज प्लीज, भरत सिंह बोलेंगे गायत्री प्रजापति को पाले नहीं पाले हो, पार्टी से बाहर हो गए, आपके रिश्तेदार थे क्या, एक ही नाम बार बार लेके चले आते हैं, भूल जाते हैं क्या, सेंगर को, सेंगर को भूल जाते हैं, चिन्मयानंद को भूल जाते हैं, हाथरस भूल जाते हैं, लखीमपुर भूल जाते हैं, केसी जैन, केसी जैन भाई, बेबे पांडे प्लीज प्लीज प्लीज, अरे चुप रहिए, गलत बात है, अपने आस्तीन में जाकर मैं आपको जवाब दूंगा, अपने आस्तीन में जाकर सब जवाब देंगे, बेबे पांडे प्लीज, ये हिंदुओं पे गोली चलवाने वाली पार्टी को चुप कराइए, ठीक है ठीक है, सब शांत है, सब शांत है, वीरभ सिंह बोलेंगे, वीरभ सिंह, वीरभ सिंह कांग्रेस बोलिए, देखिए गौरव जी जी, आम जन के मस्तिष्क में विचार में एक सवाल है, केसी जी ठीक है अपनी बात, अपने पार्टी का पक्ष बड़ी प्रमुखता से मुखरता से रखते हैं जी, लेकिन मैं दो तीन सवाल इनके माध्यम से इनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जी, नीति निर्धारक हैं, प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी मंशा जाहिर की जी, तो जो आम लोगों की कशमकश मानसिक रूप से जो दबाव में है, तनाव में है जी, इनके हर कृत्य को लेके, विशेषकर वो भी इसी का हिस्सा है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, तो मैं दो तीन चीज पूछता हूं, देखिए तब का समय, अगर तब के समय को आप कोट करके कहते हैं, मैं आपका ही पक्ष कह रहा हूं कि आज के भारत को परंपरा से जोड़ने के लिए हमने ये स्थापित किया, तो आप मानिए तब दूसरा वातावरण था, तब दूसरी परिस्थिति थी, अच्छा तब हमने विदेशियों से, अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरित की थी, आज तो देश में लोकतंत्र है और देश के लोकतंत्र की मूल आत्मा, मूल चालक, मूल जो फोर्स है वो संविधान है, तो संविधान अनुशासित नेता की तरह, संविधान में आस्था रखने वाले जिम्मेदार नेता की तरह आपको संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होती अपनी रणनीति, अपनी सोच प्रदर्शित करनी चाहिए थी। अब अगर सेंगोल का पारंपरिक और ऐतिहासिक महत्व अर्थ समझा जाए तो इसको राजसत्ता, राजदंड के माध्यम से दिया जाता है, देश में राजसत्ता की कोई व्यवस्था तो है नहीं और राजा अपने विवेक से राजदंड देने का वो अधिकारी भी नहीं है, दंड मिलेगा तो कानून की जो विधिक स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपकी दूषित, असंवैधानिक, अमानवीय सोच को प्रदर्शित करता है जो आप परंपरा से जोड़ के अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन संविधान में आस्था रखने वाले लोगों के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को तवज्जो देने वाले लोगों के लिए,
जो आजादी की स्पिरिट है उसको सर्वोपरि, संविधान को सर्वोपरि मानते हुए, क्योंकि देश चलेगा संविधान से ही चलेगा, आप उसमें जो भी अपनी मनमर्जी कर लीजिए, लेफ्ट राइट घुमा लीजिए, तो ये सवाल आपको दे, कहां धर्मदंड, कहां राजदंड, कहां संप्रभुता की बात आ रही है। तो अगर आपको ये करना था तो हमारे भारतीय लोकतंत्र में एक पार्लियामेंट का बड़ा लंबा इतिहास रहा, आपको प्रमुखता से आगे बढ़ के हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या अच्छी विमर्श हुए, क्या क्या बेहतर चीजें हुई, या उसका कोई प्रतीकात्मक जो पूरी तरीके से हमारी जो संविधान के प्रति आस्था है, जो संविधान की बाध्यता है हर व्यक्ति के ऊपर, आपको उसको आगे रख के अपना काम करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये सत्ता में है, अहंकार से चूर है, अपने आप को बहुत बलवती मानते हैं, सत्ता के अहम में ये कुछ इनको दिखता नहीं है, संविधान में कोई इनकी आस्था है नहीं, लगातार संविधान के नियमों को तार तार करने का काम करते हैं, इसलिए इन्होंने ये अपना राजदंड और संप्रभुता ताकत या जो भी उसका बोल लीजिए प्रदर्शन करने की इनकी मंशा है। मैं सिंगोल के ऐतिहासिक या पारंपरिक महत्व से कोई मेरा उसमें अविश्वास नहीं है, लेकिन सवाल क्या है, तब की परिस्थिति आज की परिस्थिति में अंतर है, भाई साहब, बाकी आपके नेताओं को ये समझना पड़ेगा जी। आप इतने दुविधा में क्यों रहते हैं जी। आप इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं अच्छा। आप देश में कोई ऐसा कृत्य काम क्यों नहीं करना चाहते हैं जो हमारे संविधान के प्रति हमारे नवयुवकों की आस्था को बलवती करने का काम करें। उद्घाटन पर बवाल सही है, जो सभी लोग, वो सभी दिमाग, सिर्फ पार्टी ही नहीं जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और बिना विवाद के, देखिए केसी जैन की पार्टी तो विवाद खड़ा करने में माहिर है अच्छा। अभी ये रस्सा कस्सी करने लगेंगे, डिबेट में अपना बल दिखाने लगेंगे अच्छा। हिंसा लाठी गोली की बात करने लगेंगे अच्छा। मेरी सैद्धांतिक बात को, वैचारिक बात को ये दबाने का काम करेंगे अच्छा। मुंह से ही गोली बारूद चलाने लगेंगे अच्छा। लेकिन मैं कहूंगा आपके द्वारा, आप सरकार में है, आपको ऐसे प्रदर्शन करना चाहिए, ऐसा वक्तव्य देना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा भाषण देना चाहिए जो इसको दूर करते हुए आपको अनुशासित डेमोक्रेटिक मूल्यों के प्रति सजग और सचेत रहता हुआ आप संविधान के हित में काम करें। विनोद भाई, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को उससे दूर रखना, उनको उचित सम्मान न देना, ये क्या उचित है क्या? मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछता हूँ अच्छा, क्या सिर्फ अगर ऐसे करेंगे तो क्या रस्म अदायगी का या स्टाम्प का प्रेसिडेंट उनको कहना विरोध, या संविधान में जो लोग आस्था रखते हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, चिंतित हैं लोकतंत्र के प्रति, उनका क्या ये सवाल उठाना गलत है क्या? ये सब जवाब इनके पास नहीं है। मैंने फिर कहा इनकी जो कोर मनसा है, जो इनका तरीका है, नहीं नहीं देखिए प्रसिद्धि तो चाहते ही है अच्छा। आत्मुग्ध में इतने मगन है हाँ। कि ये गगन से भी ऊपर है अपने आप को समझते हैं अच्छा। तो ये जो इनकी ये जो चाल है, इनकी मंशा है, जो इनकी इच्छा है, इसका प्रतिरोध तो कहीं होगा ना। ठीक है ठीक है। तो इनको लगातार इनकी जिम्मेदारियों पर खींच के लाना हर नेता का, हर समाजवाद, हर समाज के प्रति जागरूक, भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाला आदमी, संविधान में आस्था रखने वाला आदमी का इनसे सवाल बनता है। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके केसी जैन भाई से लेके और बड़े बड़े इनके राजनेताओं के पास इस जवाब का सीधा संतोषजनक, इस सवाल का जवाब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना अहंकार बल प्रदर्शित करना चाहे। ठीक है, प्रितपाल सिंह सलूजा। गौरव जी एक बात पे आपत्ति है, आपसे आपत्ति है। बोलिए। आपत्ति जो है विरोध सिंह जी से नहीं, आपसे है। बता दीजिए भैया। आपत्ति ये है आपसे जी कि बिना हमारे बीच में कुछ बोले जी लगातार विरोध सिंह जी हमको टारगेट कर रहे हैं कि मुंह से गोला बारूद चलाने लगे जी, जी। तब आपको आपत्ति करनी चाहिए जी। कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ और ये लगातार हमको कहीं ना कहीं पे जी ये उकसाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसा आप कुछ बोले जी, और उसके बाद में बिना बोले भी कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या, वो इन्होंने इनके साथ क्या गलत किया। आप फार्मन पर बकता है, लगता है गोले मारने पड़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रितपाल सिंह सलूजा, प्रितपाल सिंह सलूजा जी भाई जी, क्या आपकी राय है? आपने भी बैकआउट कर दिया है जी। नहीं, राय आपकी जो आपका जो विषय है आज का जी वो नहीं संसद से संबंधित है जी,
पूरा देश, देश के एक एक व्यक्ति वो चाहता है कि जो हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसका उद्घाटन करें, प्रधानमंत्री जी वहां जाएं, वो प्रधान सेवक हैं देश के, बिल्कुल वो वहां पे लाइन में खड़े रहे, स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का, जो एक आदिवासी समाज से आती है, एक वंचित समाज से आती है, ताकि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक मैसेज जाए, भारतीय जनता पार्टी को मैसेज देना चाहिए। क्या बात है। मगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उसका लाभ लेने के लिए अगर प्रत्याशी के रूप में चाहे कोविंद जी को उतारती है, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी को उतारती है, तो ये बार बार कहती है दलित है या आदिवासी है या वंचित है, इनको हम प्रत्याशी के रूप में ला रहे हैं, मगर जब शिलान्यास होता है तो इनको इनसे दूर रखा जाता है, चाहे संसद को ले लीजिए, चाहे सितंबर 2020 शिलान्यास जब हुआ था, राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनने के लिए शिलान्यास हुआ था, तब भी उन्होंने कोविंद जी को दूर रखा था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है, जो लोगों को दबाने का कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा जो माइंडसेट है उसको लाने का प्रयास करती है, ये लोगों को दिखने लगा है। अब पढ़े लिखे वर्ग भी जो इनके साथ था, जो व्यापारी वर्ग इनके साथ था, वो भी समझने लगा है कि भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है लगातार। और ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश का प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्रपति है, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय है, उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि तुम दोषपूर्ण हो, तुम्हारा समाज दोषपूर्ण है, तुम ये काम नहीं कर सकते। ये मनुवादी सोच भारतीय जनता पार्टी देश पे थोपना चाहती है, मगर आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियां भी मैं सभी विपक्षी पार्टियों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ा जिगरा दिखाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का ये इस समय दोषपूर्ण रवैया है इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, एकजुट हुए हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल जी सभी विपक्षी पार्टियों के पास जाके इन बातों को रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान खत्म कर देना चाहती है, वो डॉक्टर विपक्ष का चेहरा होंगे क्या अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है, अरविंद केजरीवाल विपक्ष का चेहरा होंगे क्या चुनाव में? ये आने वाला समय तय करेगा सर। अच्छा, ये आने वाले समय तय करेगा कि राहुल जी होंगे कि अरविंद जी होंगे कि ममता जी होंगे, रेस में है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा बताइए, अगर देश नहीं होगा, संविधान नहीं होगा, तो अरविंद जी और नीतीश जी राहुल जी क्या कर लेंगे इसमें? तो देश समर्थन कहां जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही खत्म कर देना चाहती है। समर्थन खत्म कर देगी तो देश चलेगा कैसे? संविधान खत्म कर देगी तो देश चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार। तो फिर आप खत्म करने की बात बोल रहे हैं। शहीद भगत सिंह जी की जो कल्पना थी, जो सोच थी, चंद्रशेखर जी की, खुदीराम बोस जी की, अस्पताल खान की जो सोच विचार थे, उससे देश चलेगा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा जैनी बोधी सब लोगों को जोड़ के देश चलेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तोड़ने वाली नीति से देश नहीं चलेगा। ठीक, क्योंकि ये तो बेचने में माहिर है, ये लोगों को हो गया आप किसी भाई आपको जवाब देना है, अगला टर्न आप ही का है, अगले टर्न आप ही का। ठीक है, हो गया, अमर साबरी बोलेंगे, अमर साबरी बोलेंगे, ठीक है, अमर साबरी बोलेंगे, बोले अमर भाई जी। बहुत शुक्रिया गौरव जी, जो आपने चर्चा में शामिल किया जी। देखिए, बात चल रही है सदन के उद्घाटन की। गौरव जी, मैं नहीं समझता कि इस सदन की कोई जरूरत फिलहाल अभी देश में थी। अच्छा, लाखों करोड़ रुपया बर्बाद किया गया जनता की गाड़ी। बर्बाद क्या है, लगा हुआ है, लगा क्या है, बर्बादी है ये। लेकिन अच्छा, अभी सदन की कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। अच्छा, लेकिन बहरहाल बन गया है, चलिए अच्छी बात है, हमारा देश के प्रधानमंत्री जी बनवा दिया है जी। लेकिन अब बात आती है उद्घाटन की, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है गौरव जी कोई। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि विपक्ष को तो विरोध करना ही करना होता है जी, चाहे सत्ता कितना अच्छा काम करे। लेकिन यहाँ पर जो विरोध है गौरव जी, संवैधानिक है असंवैधानिक नहीं है? क्या बात है। एक तो बात ये समझिए, जो राष्ट्रपति
को करना चाहिए उद्घाटन, या राष्ट्रपति के बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है स्पीकर का, गौरव जी, जो विधान लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ ना होकर के सिर्फ एक हठधर्मी अपनाई जा रही है। अच्छा, के हम ही करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा यही हमारे मोदी जी हैं जी। पहले तो हम इनकी केसी जी की बात का एक जवाब देने की, उन्होंने कहा था कि विरोध विपक्ष ने करा था कि मेरा प्रत्याशी बहुत बढ़िया है। अच्छा, और विरोध किया था, तो विरोध उनका वाजिब था जी। देखिए एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जिस पार्टी का भी कैंडिडेट होता है वो बहुत प्रिय होता है, उसके अपने कैंडिडेट के या प्रत्याशी की हर अदा अच्छी लगती है और दूसरे की खराब लगती है। तो अगर विपक्ष ने ये कहा था तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। भाई मोदी जी भी तो दलितों को मनबुद्धि कह चुके थे कि ये मनबुद्धि होते हैं। अच्छा, ये गलत बात है कि उन्होंने दलित को फिर राष्ट्रपति बनाया, और ये भी एक गलत बात है कि वो उसी दलित को एक मंदिर में जाने से रोका गया जो देश का प्रथम नागरिक था। खैर, हम उन बातों को पुराने नहीं जाना चाहते। और जैसे भी केसी जैन जी ने आखिरी जाते आते एक जुमला कहा, माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर इन्होंने नाम नहीं लिया था लेकिन गोली चलाने की बात कही, तो केसी जी आप ये बात बहुत बार बहुत चैनलों पर आपके लोग उठा चुके हैं, लेकिन अब मत कहिएगा, इसलिए ना कहिएगा कि उनको गोली चलाने के एवज में आप ही के पार्टी और आप ही के प्रधानमंत्री, आप ही के राष्ट्रपति पद्म भूषण से सम्मानित कर, सुन लीजिए केसी जैन जी, सुन लीजिए, आप ही का टर्न है, आप ही बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। देखिए हम बहुत खामोशी से सबको सुन रहे थे, केसी जी हम बहुत खामोशी से सुन रहे थे, प्लीज आप भी सुन लीजिए, आप पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित कर चुके हैं, तो कृपया आप दोबारा ना कहिएगा गोली चलाने का कि उन्होंने गोली चलाई। अरे गोली चलाने का आप इनाम उनको दे चुके हैं। अच्छा, तो आप कहा तो बार बार कहते हैं आपने उनके नाम क्यों ले लिया भाई? आमिर भाई बोल रहे हैं कि अगर वो गलत किए थे, बोलिए साहब, आप ही बोलिए, जब दिल भर जाए तब मैं बोलूंगा, छोड़िए बोलिए। किसी आम आदमी बात कर रहे हैं जी, किसी भाई आमिर साहब ने आखिरी सवाल ले लीजिए प्लीज। गोली चलाने के लिए सम्मानित किया जा सकता है जी? अरे तो आपने कहा मैं सम्मानित किया, वो बता दिए, फिर चलिए हटाइए, अरे चलिए हटाइए, तो फिर आप ये बात ना कहिए, फिर आप गोली चला, अरे आप और आप जैसे तमाम प्रवक्ता नेता बैठ करके ये ज्ञान देते हैं और ये मैसेज देते हैं हिंदुओं को कि मुलायम सिंह घोर विरोधी थे हिंदुओं के, यही तो मामला है ना? अरे सुन तो लीजिए भाई, यही तो आप कहना चाहते ना? अरे खुल के कहिए ना, अरे आप अपमानित और अपमानित की जहां तक बात करते हैं तो आपने देश की राष्ट्रपति को अपमानित नहीं किया है, आपने श्री राम को भी अपमान किया है, आपने शिवलिंग का भी अपमान किया है, आप जगह जगह अपमानित करते हैं, आपने देवी देवताओं को अपमानित किया है, आपके नेताओं को किया है, योगी जी ने हनुमान जी को दलित बताया था मध्य प्रदेश चुनाव में, अरे अपमान तो आपने देवताओं को किया है, ये तो राष्ट्रपति है, आप आपको पीड़ा क्यों, मुझे बता पीड़ा आप
आपको है। हो गया, हो आप एक गोली चला चला के 90 करोड़ हिंदुओं गुमराह करते हैं यही डायलॉग मार मार के। ठीक है ठीक है, कैसी भाई डायलॉग है? कैसी भाई, अरे अपने जवाब सवाल के बात करिए आमिर साहब, ये डायलॉग है? ये गाली नहीं है, वो डायलॉग नहीं है, ये जुमला नहीं है। अरे आमिर साहब कहते हैं वो जुमले थे, ये डायलॉग है, सच्चाई है, यही जुमला है, सच्चाई है, यही जुमला है आपके पास, दूसरा जुमला नहीं है। आपको सबका जवाब देना है, आपको बेबे पांडे जवाब देना है, आपको प्रपाल सिंह सलूजा जवाब देना है। किसी जल्दी जवाब दीजिए, तो मैं देखिए सलूजा जी को मैं तुरंत बहुत कम टिप्पणी में जवाब दे रहा था जी, बहुत कम शब्दों में जी, जो इन्होंने कहा मनुवादी मानसिकता। अच्छा, तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी जो कुंभ का मेला हुआ, कुंभ के मेले के बाद सफाई कर्मियों के पैर धुल रहे हैं, हाँ। उस पार्टी को ये कह रहे हैं कि बरवादी पार्टी है, दलितों अच्छा। की विरोधी पार्टी बता रहे हैं। अच्छा, जिस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया वो हो गई दलित विरोधी, और जिन्होंने उनका विरोध किया वो दलित का सम्मान करने वाली पार्टी हो गई। अच्छा, और केजरीवाल जी जब गुजरात के चुनाव पे गए थे, अच्छा गौरव जी सलूजा जी को याद होगा जी, तब वहां पर कहा था कि यहाँ उनकी नोटों पर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए जी, ये मनवादी मानसिकता नहीं है जी। और जब पंजाब में आए तो कहा नहीं अम्बेडकर जी की प्रतिमा होनी चाहिए जी। तो ठीक है, इनकी समय समय पर विचारधारा बदलती रहती है, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की। और जो मैंने जो आपके ऊपर सवाल किया था जी, जब बात हो रही थी गिरोह सिंह जी की जी, तो कहा था भाई केसी जैन साहब तो मुंह से गोला बारूद छोड़ने लगते हैं, फार्मन पर लगता है ना जी, जी जी जी। नहीं देखिए, इन्होंने कहा परंपरागत के नाम पर जी, ये जो सैमुअल को स्थापित कर रहे हैं हाँ। तो देखिए कांग्रेस पार्टी राम सेतु को काल्पनिक कहती रही, भगवान अच्छा। राम को काल्पनिक कहती रही, कुर्दों से भगवान राम को हटाती रही। एक सवाल पूछ रहे हैं कैसी भाई, मेरे से पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन बोलिए जी। तो देखिए परंपरागत की जो उन्होंने बात की, तो जो लोग विरोध करते हैं वो परंपरागत की बात जी, करेंगे जी। और दूसरी बात इन्होंने कही, एक जी, बात कही जी, कि संविधान खतरे में जी, संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा जी। अरे अगर संविधान खतरे में होता, संविधान के अनुरूप नहीं होता, आप लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने उस रिट को स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात ये कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता जाती है तब संविधान खतरे में हो जाता है, जब उनको सजा हो जाती है तब संविधान खतरे में हो जाता है, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है तब संविधान खतरे में हो जाता है, और जब इनके खिलाफ कोई जांच होने लगे तब संविधान खतरे में आ जाता है। अब देखिए वहां जीत गए कर्नाटक में, संविधान खतरे में नहीं आया जी। उत्तर प्रदेश हार गए, पंजाब हार गए, उत्तराखंड हार गए, 5 राज्य चुनाव हारे, तब संविधान खतरे में आ गया था। अच्छा, तो देखिए महामहिम महोदय को लेकर के जितना वार्तालाप हो रहा है गौरव जी, केवल और केवल सारी पार्टियां अपनी राजनीति छमकाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही, ये कहीं पर नहीं है किसी बिल्डिंग के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आना अनिवार्य है। अगर होता तो आप जब सुप्रीम कोर्ट गए तो आपकी रिट स्वीकार हो गई होती। दूसरी बात, अभी तो कह रहे उद्घाटन में आए, फिर कहेंगे कि जितनी चीजें, जितने कोई विदेशी डेलीगेट्स आता है तब भी आपको प्रधानमंत्री को नहीं भेजना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय को भेजना चाहिए, क्योंकि बाहर से राष्ट्रपति आया है। देखिए हर देश की संवैधानिक व्यवस्था अलग अलग है, कहीं पर राष्ट्रपति सर्वोपरि है, कहीं पर प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। अच्छा। कई सारे देश के डेलीगेट्स आते हैं जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को अधिकार है, वो सारे अधिकार राष्ट्रपति को है वहां पर, और वहां का राष्ट्रपति सारी चीजों पर साइन करता है, तो हर चीज के लिए, हर काम के लिए काम यहाँ पर बटा हुआ है। मुख्यमंत्री का काम अलग है, प्रधानमंत्री का अलग है, गृह मंत्री का अलग है, रक्षा मंत्री का अलग है, अधिकारियों का अलग है, तो जिसका तो काम है वो कर रहा है। और ये तो उद्घाटन की बात हो रही थी, इन्होंने तो जब संसद में, नए संसद भवन पर जब अशोक की लाट की स्थापना हुई, कितनी हाय तोबा कांग्रेस ने की थी। अच्छा, इनको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, कहा कि भाई उसके दांत पांडे पे बोल दीजिए, कांग्रेस छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, मूर्ति बड़ी है, बख्श दीजिए कांग्रेस को, ठीक है कांग्रेस छोड़ दीजिए, पांडे बोल दीजिए। अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन करे दिक्कत क्या इनको, क्या दिक्कत इनको भाई? कैसी भाई आपसे सवाल पूछ रहे हैं भाई? एक सवाल है जी प्रधान जी, प्रपाल जी आप, प्रपाल जी
प्रधानमंत्री जी इतनी आत्मुग्धता के शिकार हैं कि जो सरदार पटेल का स्टेडियम का नाम उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया, तो ये कौन से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप यही संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान का बुनियादी मायने है, अर्थ है कि हर नागरिक हर व्यक्ति बराबर है, किसी धर्म का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, किसी सोच का हो, लेकिन आप ये बार बार सारी परंपराओं से सुविधा अनुसार छेड़खानी करके अपने आप की अमिट छवि स्थापित करने के लिए आप अपने सत्ता बल का, सत्ता के अहंकार का आप इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? अपने आप को अपनी अपनी अमिट छवि बनाने के लिए। अच्छा। आपका दंड, आप ये बार बार आप ऐसी पोजीशनिंग करते हैं, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि आप नहीं, नहीं कि आप सर्वशक्तिमान है, आपकी पार्टी हमेशा सही है, ये गलत है। इंदिरा जी के नाम पर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम कितनी योजनाएं देश की जी, सारी की सारी योजनाएं आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर, इंदिरा गांधी जी के नाम पर, केवल गांधी परिवार के नाम पर, संस्थानों के नाम आप रखते हैं। अरे तो कहां तुलना कर रहे हैं योजना की? अरे वो राजीव गांधी योजना, इंदिरा ब्रिज, सरदार पटेल इंदिरा योजना, नेहरू योजना, नेहरू युवा, अरे सरदार पटेल, इस पे आप जवाब दीजिए पहले। सरदार पटेल, सरदार पटेल का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने का आपकी क्या मंशा है? अरे कहां त्यागी बलिदानी से अपनी तुलना कर रहे हैं, क्या बात करते हैं आप? ठीक है, चले ओके ओके, पिटपाल बोलेंगे, पिटपाल बोलेंगे, पिटपाल सलूजा बोलेंगे, ठीक है ठीक है, पिटपाल सलूजा बोलेंगे, ठीक है पिटपाल सलूजा बोलेंगे, हो गया कैसे भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, पिटपाल सलूजा बोलेंगे, सलूजा जी बोलना है, कैसी भाई हो गया, कैसी भाई, कैसी भाई हो गया, क्या आवाज में की जाए, आवाज में की जाए, केजरी में की जाए, ठीक है पिटपाल जी अपनी जवाब दीजिए, पिटपाल भाई बोलिए। याद दिला दूं, इनके एक बड़ा नेता है अडवाणी जी, जी जो पाकिस्तान में जाकर जिंदा चालीसा रहे। अरे उनको छोड़ दीजिए, 2002 के दंगा जो गुजरात में हुआ था, चल रही होगा जी, सुप्रीम कोर्ट की 5 खंडपीठ के जजों ने जी निर्णय दिया, और हमारे जमानत पे क्या निर्णय दिया जजों ने, जमानत पे क्या निर्णय दिया? अरे बोल रहे आप नहीं थे, बाहर आएंगे पिपल भाई, पिपल भाई, पिपल भाई, कैसी भाई, आप सवाल तो ले लिया करिए, पिटपाल भाई, केसी भाई बोल रहा है कि आपके नेता कब निकल के आएंगे जेल से बाहर, सब अंदर है भैया, देखिए ऐसा है इनकी सरकार। अच्छा, सत्ता मत में अच्छा, कौन से ऐसा विपक्षी पार्टी है जिसके ऊपर इन्होंने 200 रुपए नहीं लगाया? अच्छा, आज तक कौन सी किसको यानी कि विपक्ष है, विपक्ष के नाम पर बड़ा घोटाला, अच्छा बड़ा घोटाला जी, क्या 76,000 करोड़ स्वास्थ्य मंत्री घोटाला, ठीक है ठीक है ठीक है, विवेक पांडे बोलेंगे, हो गया विवेक पांडे बोलेंगे, विवेक भाई ठीक है, हो गया हो गया, अब विवेक पांडे बोलेंगे, अच्छा ठीक है ठीक है, हो गया आप लोग, हो गया विवेक पांडे बोलेंगे, विवेक पांडे बात करेंगे, समय कम है, विवेक पांडे बोलेंगे, विवेक भाई 28 तारीख को गौरव भाई उद्घाटन हो रहा है, और उसी दिन खिलाड़ियों के समर्थन में किसानों की एक बहुत बड़ी महारैली भी उसी संसद की तरफ बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, इस बात को समझिए, और सबसे बड़ी बात है जहाँ पुलिस रोकेगी वहीं किसान बैठ करके संसद शुरू कर देंगे। अच्छा, तो विपक्षी आज कम से कम ये सवाल जरूर उठाएगा कि खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कल ये बेइज्जत हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन के साथ, जी भाई आप क्या दिल्ली के जंतर मंतर का डैमेज कंट्रोल करने के लिए गली मोहल्लों में ये खेलो इंडिया का कार्यक्रम जो छवि सुधार करा रहे हैं, अपने बता दीजिए ये चलाया जा रहा है, और दूसरी बात आजम खान के साथ षड्यंत्र जो किया गया
उसमें अंजनेय सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? अरे षड्यंत्रकारियों, अरे षड्यंत्रकारियों, आजम खान के मामले में तमाचा पड़ गया, अरे तमाचा पड़ गया। केसी भाई शक्ल आईने में देख लीजिएगा, केसी भाई शक्ल आईने में देखिएगा, अधिवक्ता है ना, सुनिए, आजम खान के मामले में आपका अधिकारी फंस गया, आपका अधिकारी फंस गया, केसी भाई आपका अधिकारी फंस गया, आजम खान के मामले में सच सामने आ गया। अब आप क्या करेंगे? जाइए आजम खान के पैर पकड़िए, माफी मांगिए, केसी भाई आजम खान के पैर पकड़िए। और सुन लीजिए, बलात्कारियों की बात करने वाले जौनपुर नगर कार्यालय जिस होटल में चलता है वहां बलात्कार के लोग पकड़े गए, वहां भागा था सेक्स रैकेट पकड़ा पुलिस ने, वहां सेक्स रैकेट पकड़ा है, आपके नगर कार्यालय जौनपुर में सेक्स रैकेट पकड़ा गया। अरे कितने कार्यालय बनवाए हैं पूरे देश में, हर कार्यालय की जांच होनी चाहिए। बलात्कारियों को पोषित करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, विपक्ष के नेताओं के साथ षड्यंत्र करने वाले, ये भाजपाई घिन आती है इनके चेहरे से, घिन आती है। कल इतना बेइज्जत होने के बाद भी ये देख लीजिए इनकी आवाज, इतना बेइज्जत किया है कल मोदी जी के नौरतन ने, उसके बाद भी देखिए गंभीरता नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि बेशर्मों की तरह केवल छवि सुधार, केवल छवि सुधार, खुलेआम खुलेआम इकाना से बेइज्जत करके चला गया नवरत्न इनका, खुलेआम मोदी के नवरत्न ने बेइज्जत कर दिया गया। और उसके बाद ऐसी देख लीजिएगा, शीशा हो, शीशा आईना, आईना आईना हो, चेहरा देख लीजिएगा, कैलाश खेर ने सबको बेइज्जत कर दिया, पूरे भाजपा को बेइज्जत कर दिया, हिम्मत नहीं आप लोग करेंगे। आमिर भाई आखिरी कमेंट, आमिर भाई आखिरी कमेंट, ठीक है केसी भाई, हो गया, पांडे हो गया, आमिर साबरी भाई आखिरी कमेंट जी, विशेष कर दीजिए इसका। मामला ये है जी, इन्होंने एक राष्ट्रपति बात बात विपक्ष एक बात कह रहा है कि राष्ट्रपति को अपमानित किया जा रहा है, तो ये राष्ट्रपति की बात नहीं, इनके तमाम नेताओं ने जी देवताओं तक को अपमानित किया है गौरव जी, सच बात ये है, लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सच इतना कड़वा होता है कि वो कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बर्दाश्त नहीं होती, और एकदम मार चीखना चिल्लाना ये डिबेट का तरीका नहीं होता, आप बात रखिए अपनी, चीखने चिल्लाने क्या मतलब है, आप दूसरे को बोलने देना नहीं चाहते, यही भाजपाइयों का चाल चरित्र भी है, दूसरे को बोलने देना नहीं चाहते, अपनी इतना चीखेंगे इतना चीखेंगे कि दूसरे की बात दब जाए, लेकिन सही है, मैं आज विवेक पांडे जी को साधुवाद देता हूँ, छोटे भाई हमारे, कि आज बिल्कुल वो उनसे भी ज़्यादा चीख के अपनी बात उन्हें रखी है, और कोशिश ये करी उन्होंने कि मेरी बात दबे ना, लेकिन मुझे नहीं लगता था केसी जैन भाई किसी शरीफ आदमी को बोलने भी देते, केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साधुवाद देने के लिए आप करते क्या है? नहीं नहीं, आप क्या करते हैं केसी जैन जी, अभी आप आजम खां के मामले बड़ी संवैधानिक बात कर रहे थे, आजम खां के मामले में आप जवाब नहीं दे पाए कि संविधान के तहत आप, चलिए चलिए, आपके अंदर तिल बराबर नैतिकता है तो उनकी सदस्यता को बाहर कर दीजिए, तब तो हम जानेंगे आप नैतिकता की बात करते हैं, चलिए ठीक है, संविधान की बात करते हैं, ठीक है, आप कानून मानते कहाँ हैं? ठीक है ठीक है, संविधान को तो पैरों तले रहने फेंके दे, ठीक है ठीक है, ब्रह्म सिंह आखिरी कमेंट, देखिए सवाल है इस चीख, किसे सुन लीजिए, देखिए किसी आवाज खोल दीजिए जी जी, आप अपने आगे लिखाया करिए जी, धर्मशास्त्री करिए, मुस्लिम वेत्ता, अच्छा ये मत लिखाया करिए जी, केसी जैन जी शोर शराबे में अपनी आवाज तेज से चिल्लाने में जो लोगों का मूल सवाल है, संविधान से जो छेड़खानी करने की आपकी मंशा है, आपके पार्टी की नीति और प्रवृत्ति है, अरे बात तो सुन लीजिए, इतने आराम से बोल रहा हूँ, देखिए सवाल है, निराशा है आपकी, यही हताशा और निराशा है, आजम खान के मामले में तमाचा पड़ा, कैलाश खेर से हो गया, कैसे सुन लीजिए, अरे एक गांधी साहब को बहुत दिक्कत है, एक अरे एक चुनाव हार जाते हैं, कैसे सुन लीजिए भाई, आपकी एक बेशर्म इकलौती पार्टी है जो राम के नाम पे वोट मांगती है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टी धर्म के नाम पे वोट में नहीं मांगती है, इकलौती पार्टी आपकी है जो राम के नाम पे वोट मांगती है और शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, शहीद मैं बंद कर दूंगा, देखिए केसी जैन जी जी,
आखिर आपसे ये सवाल है, एक गांधीवादी की बात से आप इतने विचलित क्यों हो जाते हैं, आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, आप इतने निरुत्तर क्यों हो जाते हैं? हम तो आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए जनता की बात करते हैं, देश संविधान से चलेगा उसका उसका प्रयास करते हैं। आप सत्ता में हैं तो सवाल आपसे करेंगे, लेकिन सवाल सुनते ही जहां आपकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की बात होती है, आप लाठी गोली क्यों चलाने लगते हैं, आप मोर्चेवादी क्यों हो जाते हैं, आप हिंसावादी क्यों हो जाते हैं, आप मरने काटने की बात क्यों करते हैं, आप आतंक का माहौल डिबेट करके बना देते हैं। इस सब का जवाब आपको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट गए, क्या हो गया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हो गया, हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। चर्चा खत्म हो चुकी है और चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा इस बार संसद के उद्घाटन पर बवाल और सेंगुल की प्रथा पर, यहाँ पर आरोपों का प्रहार। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा आप सामने आई और चर्चा के दौरान तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर बात की गई और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले, जहां पर प्रवक्ता भाजपा केसी भाई सब पर प्रहार करते नजर आए, तो विपक्ष ने भी यहां पर पूरी तरह से लामबंद होते हुए उनकी हर बात का यहां पर माकूल जवाब दिया, चाहे डिबेट की बात करें और चाहे इस मुद्दे की बात करें। फिलहाल सत्ता पक्ष यहां अलग है और विपक्ष यहां पर लामबंद हो चुका है। अब विपक्ष की लामबंदी 24 चुनाव तक एक साथ रहेगी या विपक्ष दो फाड़ हो जाएगा, ये फिलहाल अभी स्थित नहीं है, ये आने वाले समय में स्थिर हो पाएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है, कम से कम किसी मुद्दे पर यह विपक्ष एकजुट हुआ है और कहीं ना कहीं अगर इस चुनौती आने वाले समय में बीजेपी बनेगा तो हो सकता है यहां पर नुकसान बीजेपी को हो सकता है। चर्चा होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद उद्घाटन के अलावा भी तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो। जब जनता के मुद्दों पर भी एकजुट हो जाएंगे तो शायद कुछ तस्वीर भी बदलेगी और शायद तब सरकार भी समझेगी कि अब हमको किस राज्य में, किस दशा में, किस व्यवस्था के तहत काम करना है। काम भी जरूरी है, संघर्ष भी जरूरी है, आरोप भी जरूरी है, प्रत्यारोप भी जरूरी है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जनता के मुद्दे भी जरूरी है। जनता के मुद्दों की बात रखते रहिए और संघर्ष करते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।